हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इंटरनेट एड्रेस। तो इंटरनेट एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट में जितने भी डिवाइसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो उसमें बहुत सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होंगे, तो सारे डिवाइस के पास कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तभी तो हम रिकग्नाइज कर पाएंगे। जैसे हमारा एक होम एड्रेस होता है, ठीक है, तो उस एड्रेस पे ही हमें सारी मेल्स या लेटर्स या पार्सल्स डिलीवर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास एड्रेस नहीं होगा सो इंफॉर्मेशन हमें गेन नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरनेट की अगर हम बात करें तो जो नेटवर्क्स है उसमें जितने भी डिवाइसेस हैं सबको कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तभी हम उस डिवाइस को इंटरनेट पे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उस तक कुछ इन्फॉर्मेशन भेज पाएंगे या उससे कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्राइव कर पाएंगे। तो इंटरनेट एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट एड्रेस या तो वेबसाइट का यूआरएल होगा, ओके, यूआरएल ऑफ एनी वेबसाइट, या तो आईपी एड्रेस होगा उस कंप्यूटर का जो भी जो कि इंटरनेट पे मौजूद है, या तो ईमेल आईडी ऑफ एनी यूजर, ठीक है। ये तीनों चीजें किस में आएंगी? इंटरनेट एड्रेस में। इनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट एड्रेस, ठीक है। यूआरएल ऑफ एनी वेबसाइट या आईपी एड्रेस या ईमेल आईडी। अभी हम इनमें से सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं ईमेल आईडी से, ठीक है। हम सबके पास एक ना एक ईमेल आईडी होता है। तो ईमेल आईडी को अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे उसमें तीन पार्ट हैं। एक है यूज़र नेम, ठीक है। इफ़ आई एम राइटिंग वन ईमेल आईडी स्टूडेंट वन एट द रेट pimr.edu.in, ठीक है। सो एट द रेट इज अ सेपरेटर विच सेपरेट्स यूजर नेम विथ दिस यूजर्स मेल सर्वर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा यूजर नेम है, एट द रेट एक एट द रेट का साइन है, और ये क्या है? हमारा यूजर्स मेल सर्वर। तो ये हो गया हमारा ईमेल आईडी, और ये इंटरनेट पे हमें रिकग्निशन दिलाता है, ठीक है। मतलब अगर हम स्टूडेंट वन एट द रेट pimr.edu.in पे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो इस पर्टिकुलरली इसी पर्सन को वो डिलीवर होगा, ठीक है। तो इंटरनेट पे हमारा एड्रेस क्या है? हमारा ईमेल आईडी। हमारे सिस्टम का एड्रेस क्या है? उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो आईपी एड्रेस क्या है? हमारे सिस्टम का एड्रेस, डेस्कटॉप हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, या कोई भी डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस। और वेबसाइट को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? बाय यूजिंग यूआरएल ऑफ दैट वेबसाइट, ठीक है। यूआरएल ऑफ दैट वेबसाइट कैसे होगा? www. ये हो गया URL किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। IP एड्रेस किस फॉर्म में होगा? लाइक दिस, ठीक है। ये IP एड्रेस हो गया, और ईमेल आईडी आप जानती हैं। तो इन तीनों को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट एड्रेस। थैंक यू।